चुनावी साल में राजस्थान का सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस में आपसी खींचतान के बाद आला कमान की सुलह की कोशिशें भी फेल हो चुकी हैं। 4.5 साल कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स में उलझे पायलट अब पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट नई पार्टी लॉन्च करके राजस्थान की राजनीति में बड़ा दांव खेलने वाले हैं। 11 जून को वो पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह का दावा किया था। हालांकि बंद कमरे में हुई ये कथित सुलह पायलट को रास नहीं आई। हाल ही में टोंक में पायलट ने खुलकर कह दिया कि उन्होंने मुद्दों को छोड़ा नहीं है, वो अडिग हैं। बता दें कि उन्होंने पिछले महीने 5 दिन की अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली थी। अंतिम दिन बड़ी सभा में 3 मांगे रखते हुए पायलट ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस अल्टीमेटम से पहले कांग्रेस आला कमान ने गहलोत और पायलट दोनों को दिल्ली तलब किया। इसके बाद सुलह का दावा किया, लेकिन आला कमान के दावों से उलट पायलट ने अपने तेवर बरकरार रखे। सचिन पायलट को लेकर सियासी हलकों में यह चर्चा खूब हो रही है कि 11 जून को पायलट कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पायलट नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के संपर्क में है। आईपैक पायलट की नई पार्टी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार पायलट अपनी नई पार्टी को लेकर खाका तैयार करने में जुटे हुए हैं। पायलट की नई पार्टी की घोषणा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें बताया गया है कि आईपैक कंपनी पायलट की नई पार्टी को लेकर जुटी हुई है। इसके अंदर कंपनी के 100 से अधिक कर्मचारी पायलट के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इस दौरान सचिन पायलट की नई पार्टी के नाम को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। उधर कंपनी ने 1100 लोगों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए हैं। इसी के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। पायलट की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर संकेत मिल रहे हैं, तभी कंपनी 1100 कर्मचारियों की नई भर्ती कर रही है। बता दें कि सचिन पायलट की ओर से गुरुवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो की भी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो को पोस्ट करते समय पायलट ने अपनी नई पार्टी के गठन को लेकर संकेत देने की कोशिश की। पायलट ने इस वीडियो पर मन में है एक आस, दिल में है विश्वास, बनाएंगे सशक्त राजस्थान, जन जन का जब साथ है कैप्शन दिया है। इस वीडियो में पायलट राजस्थान के जनता के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में कांग्रेस से जुड़े हुए न तो कोई नेता दिख रहे हैं, न ही पार्टी का चुनाव चिन्ह। पायलट के इस वीडियो को लेकर राजस्थान की सियासत में हलचल मची हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।